का जिक्र पशुओं की फिक्र पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर अजय विंद्रोली की तरफ से सारे भाई ने राम राम भाई। और पहले भी वीडियो कवर करी थी, आज एक बार फिर पहुंचे हैं संदीप भाई के पास में। संदीप भाई राम राम। राम राम भाई, एक बार दर्शक और कर दो राम राम। राम राम भाई सभी भाई। संदीप भाई कौन सा गाँव है अपना? गाँव बड़म्बा भाई। और जो यो डेयरी फार्म है यो कौन सी जगह है? यो भाई सब नए बस स्टैंड के पास है, मैम में। मैम अपना जो यो गोहाना रोड बोल दें जी। हाँ, गोहाना रोड पे भाई, दीपांजलि हॉस्पिटल के सामने, बिल्कुल सामने जो गली है उसमें अपना डेयरी फार्म है। हाँ, पिछली जो वीडियो बनाई थी भाई की, भाई मैंने तकरीबन कमेंट पढ़ता हूँ मैं वीडियो पे जो भी कमेंट आओ है, तकरीबन सब भाई ने कही थी भाई है बिल्कुल जिस तरह के भाई के रेट है, पशु भी उसी तरह के है ना। ठीक थे भाई, सुतरा बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था उसमें भी, अपने सारे पशु बिक गए थे भाई, वह भी दो तीन दिन में सारे सेल, तकरीबन सेल हो गए थे। हाँ जी, तो यहाँ पे फिलहाल इस महीने में कितनी एवरेज? अब की बार भाई सब थोड़ी टॉप की मुर्रा मतलब भैंसे। अच्छा अच्छा, दिखावांगे। अच्छा, अब की बार और अब्बल है उसने भी? हाँ, सात भैंसे अपने पास, जिनमें से चार टॉप क्वालिटी की। टॉप क्वालिटी की है। रेट संदीप भाई? रेट भाई ले तू कहे तो टॉप के भी बतावांगे भाई। अच्छा, तो देखिये संदीप भाई यहाँ जो है अपना पहले नंबर पे भाई, सभी क्वालिटी है भाई में, या सेकंड टाइमर है। अच्छा जी, आज 20 किलो दूध है इसमें। आज इसके नीचे 20 किलो दूध है, कट्टे के तोल का है भाई। कट्टे के तोल का है, और नीचे इसका फीमेल काफ है, सिकंदर की कटड़ी है भाई। अच्छा, यह जो कटड़ी है यही है भाई? हाँ, यह सिकंदर की कटड़ी है भाई, प्योर मुर्रा। ये नीचे अपना सिकंदर बुल जो लक्ष्मी डेयरी फार्म वाला है। हाँ, लक्ष्मी डेयरी फार्म वाला का भाई साहब, उनकी कटड़ी है। यह सेकंड टाइमर है भाई जी। हाँ जी, और आज 20 किलो दूध कट्टे के तोल का तैयार है। बिल्कुल कट्टे के तोल का, दो टेम तीन टेम कई टेम आ जाओ भाई। तो या जो अपना जितना दूध तैयार करना था लगभग हम कह सकते हैं इसने कर लिया भाई। देखो भाई साहब, मेरे पास या दो तीन दिन से आई है जी, मैंने उम्मीद है कि भाई हो सके या के मैंने के मैं अप करेगी। हाँ, के मैंने के मैं बाकी 20 प्लस की मान लो आप उसमें, तो 20 दूध थोड़ा को नहीं अंदाजे भाई, बहुत हो जाए भाई साहब। देखिए इसके हाँ, जो और हाइट लेंथ देख लो, फुल हाइट फुल लेंथ है जोटी की, पुट्ठा देख लो, सिंग देख लो, थना का गैप देख लो, और अडर भी भाई बहुत सुंदर अडर है भाई, और धार इसी है भाई, चाहे बाल काट लो इसकी तो ठीक से। ये देखो भाई नु मंदा हुए, इसी धार है भाई, कोई को पाऊंगी तकरीबन, मतलब कोई भाई पूंजी लगाओगा तो दुख नहीं पाओगे ना। बिल्कुल भाई, अगर किसी भाई ने ब्रीड तैयार करनी है ना घर पे, अगर ब्रीड तैयार के लिए ले रहे हो तो सबसे बढ़िया भाई सब, देखो नीचे कटड़ी है और अच्छी भैंस है, सिकंदर की कटड़ी है, सिकंदर की कटड़ी है भाई। तो कीमत की बात कर ले भाई साहब, कीमत अजय भाई इसके 2,35,000 रुपये। 2,35,000 फिक्स प्राइस बताया भाई ने इसका। हाँ। दो नंबर पे भाई, इसके बारे में और बताओ भाई साहब। फर्स्ट टाइमर जोटड़ी है। अच्छा जी, फर्स्ट टाइमर है। चार दांत है जी, खीस से खाली कर दी। अच्छा जी, कल वाली रात ने ब्याई थी जी, ठीक है। नीचे फीमेल काफ है, नीचे इसके ही फीमेल काफ है जी। हाँ जी, तो भाई इसका बच्चा और दिखा दो एक बार। ये रहा भाई साहब, इसका मेल काफ है भाई साहब अजय। अच्छा, इसके हाँ, इसका मेल काफ है भाई, इसके नीचे मेल काफ हाँ। है भाई, फर्स्ट टाइमर है, और भाई मुंह से चार दांत है भाई, चार दांत है भाई साहब, फुल हाइट फुल लेंथ, धार एक नंबर की, यू बच्चा रहा भाई, ये इसका बच्चा है भाई। हाँ जी, कल ही ब्याई है या कल वाली मतलब परसों वाली रात ने ब्याई है, आज तीसरा दिन आ गया इसने, सुबह मैंने खाली कर दिया खीस से, सुबह खीस से खाली कर दिया। फुल हाइट है, पीठ पुट्ठा भी देख लो भाई, और थना का जो गैप है वो भी आप देख सको हो। तो इसकी क्या कीमत रखी भाई साहब? इसके भाई साहब 1,50,000 रुपए रखे हैं। 1,50,000? हाँ जी भाई साहब। इसमें कोई गुंजाइश भाई साहब आदरमान या भाई ज्यादा एक कुछ भाई तू गणी का तो ले 1,000-2,000 की कर देंगे और क्या करा। तो भाई 1,50,000 रुपए भाई ने मोल कराया है, दूध का नहीं पता भाई कितना दे, ना भाई कुछ 15 भी दे दे 12 पे भी रह जाए या नहीं बेरा ही बाकी करेगी के नहीं भाई। या तो खींच तो खाली करिए भाई, क्योंकि इस चीज की हम हाइट लेंथ तो अंदाजा ला सका आज है कि भाई देख 13-14 किलो तो अगर आपका पशु समय पर नया नहाता हो, बार बार फिरता हो, कम दूध देता हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने पशु को रोजाना न्यूट्री डाइट खिलाओ, समय पर नया भी होगा और ज्यादा दूध भी देगा। न्यूट्री डाइट को आप हरेक मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं, और हाँ इसे आप ऑनलाइन भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए 80595 37,000 पर संपर्क करें। बात भी अभी तोड़े हैं इसने। अच्छा, या जो अपना तीन इसके बारे में बताओ। या दो दांत जोटी है भाई जी, और दो दांत भी अभी तोड़े हैं इसने।
तकरीबन जो भी पशु हैं भाई फिलहाल अब तक आपने दिखाए हैं सबकी पूरी हाइट है, फुल हाइट है, फुल लेंथ है भाई साहब, बिल्कुल देख लो रिंग सिंग है बिल्कुल। हाँ, इसका जो सिंग है भाई उन दोनों से अच्छा है। हाँ, बिल्कुल इसमें भाई अखी से मान लो खाली कर दी सुबह या भी, इसका देख लो थर्ड पासा, इसके नीचे फीमेल काफ है। अच्छा जी। हाँ तो इसके क्या प्राइस रहेगा भाई साहब? इसके भाई साहब 2,10,000 रुपये। 2,10,000। और भाई साहब एक बात और है जी, यह अच्छी भैंस की है, अच्छी मतलब नूनी है, 17-18 किलो दूध भैंस की है, अनुकह जाते ना 20 की 25 किलो वाली की है। अच्छा, 17, इसकी माँ की भी हाँ ग्रामीण उसकी बताऊँ हाँ देखियोड़ी 17-18 किलो दूध इसकी माँ ने नॉर्मल उसमें दिया जमींदार का। अच्छा जी, अच्छी ब्रीड की है। बुल का ही पता कौन से ना कोनी बेरा भाई उस चीज का नहीं ना कोनी बेरा। हाँ थड़प पोसा ही साहब भाई कोई कोई का पाओगा खुराकी का। अच्छा जी। हाँ तो भाई दो दांत बताइए आप। दो दांत है भाई साहब और मुंह से दो दांत है। हाँ, बहुत ही भाई जब ले आए तो इन्हें बहनी थोड़ा कंपटीशन था ना उसमें थे। अच्छा। फिर या उस टाइम पे ब्याई कौन थी? अच्छा उस टाइम क्या बने? हाँ नुए था और फिर रिस्क नुदामा की तेली जावा उड़े ब्याज या खामा खराब हो जाए फिर टाले कर दिया। कौन से ब्यात की है? सेकंड टाइम मेरा भाई साहब 6 दांत है भाई साहब ब्यात में। संदीप भाई देखो कह ना को भाई नु कह फिलहाल कितने याद 7वें दिन की ब्याई है नीचे कटड़ी वार रही भाई वो सामने 8वें दिन की ब्याई है या कटड़ी बैठी नीचे बिल्कुल उठा के देख लो और 19 लीटर तैयार है जमा। सेकंड टाइमर के नीचे सेकंड टाइमर भाई साहब। देखिए भाई जितनी भी हैं तकरीबन अब तक भाई ने दिखाई है 2 तो होगी सेकंड टाइमर और 2 होगी फर्स्ट टाइमर। हाँ जी भाई। है भाई जी 4th नंबर की है यार बिल्कुल। और एक चीज सब आपने देखने में लगी बड़ी ऑर्डर पाओगा और भाई थनों का जो गैप है वो भी भाई साहब नीचे चुआई का तो कोई भी आपने पशु हड़का नहीं मिलेगा होगी बता देंगे बात जो भी होगी ना वो बात बता देंगे आपने भाई। तो इसकी क्या कीमत है भाई साहब? इसके भाई 1,65,000 रुपये। 1,65,000 19 लीटर दूध एक हफ्ते की ब्याई के 7 या 8 दिन की ब्याई है भाई साहब। अच्छा जी। हाँ, 8 दिन की ब्याई। हाँ तो इसकी 1,65 फिक्स प्राइस है जी। 1,015 की गुंजाइश भी है भाई। हाँ यह चीज तकरीबन जो होगी वो भाई ने बता दिया 1,015 की गुंजाइश। दूध भाई साहब 22+ दे देगी दूध तो बढ़ेगी कम या तो 7-8 दिन की ब्याई है भाई साहब। अच्छा जी 22+ दूध देगी गारंटी है बिल्कुल चाहे लिखवा के ले लो। और सेकंड टाइमर है थर्ड टाइमर है इसका बेरा को नहीं पट्या। अच्छा जी ये मैं आपने कह दूं या तीसरे एक इसका 5वां थन है भाई अजय। अच्छा इसका 5वां थन है दूध दाद उसमें तो भाई दूध आवे है भाई उसमें तो दूध भी निकला है बिल्कुल आवे है भाई ठीक से। हाँ तो इसकी हमें मान लो तीसरा मान ले भाई आज 4 दिन की ब्याई में भाई साहब इसमें 14 लीटर पक्का मान लो 15 छोड़ दो आप 14 लीटर दूध है 4 दिन की बिल्कुल है भाई साहब और बिल्कुल छोटा सींग है। हाँ दूध दे देगी 17-18 लीटर आराम से ज्यादा नहीं कहते हम। नीचे काफ क्या है भाई जी? इसका फीमेल काफ है भाई फीमेल काफ है और 5वां थन भाई ने पहले ही बता दी थी शुरुआत में। हाँ जानकारी चुआई बढ़िया है भाई चुआई की ओर की कोई नहीं। इसकी क्या कीमत संदीप भाई? इसके 1,17,000 रुपये भाई। 1,17,000 में तीसरे बैंत की है 14-15 लीटर ये मौके पर है भाई 4 दिन की ब्याई में 14 लीटर तैयार है 17-17 के आसपास। हाँ 17 या 18 लीटर की उम्मीद है इसकी भाई। 6 नंबर वाली नोर लिया भाई टाइमर जोटी है जी और 2 दांत थे चौथे तोड़ गया। अच्छा जी। हाँ यह ब्याई होगी आज 7-8 दिन की अजय भाई फर्स्ट टाइम 7-8 दिन की। हाँ इसका भाई साहब शुरू में बन गया बुखार जी मैं आपने बता दूं दूध तो चलन लगी है या सही सिस्टम खान पीन लगी है 2 या 3 दिन तक। अच्छा ठीक है तो इसमें ई मान के चलो या ई बनेगी सच्चाई है जो हम आपने बता देंगे। देखो या इसमें थोड़ा टाइम लगेगा दूध बनाने में भी आज इसमें दूध है 7 या 8 किलो दूध है 7-8 किलो। हाँ इसने तो भाई साहब देखो बाद में करके ना बाद में वो करेंगे इसका। अच्छा इसको बाद में सेल करेंगे। हाँ, क्योंकि इबा का कल को ले जाओ ऑपरेशन होगा ना भाई परेशान होगा इबा इसका वो नहीं है बेचन का वो इबा वो ही नहीं है बेचन लायक। अच्छा इसका कोई विचार नहीं। हाँ, देखो जो आपने वो कह दिया ये मैं बनाया के नहीं का टेम लाए के और बना दें दे चलो 7वें नंबर वाली है वो और लिया। हां या भाई साहब सेकंड टाइमर है जी खीस से खाली कर दी फीमेल काफ है अच्छा दूध दे देगी 12 से 14 लीटर के बीच में 12 तक कम नहीं रहती 14 तो ऊपर नहीं जाती मन ना दिखे जड़े ते। अच्छा इतने दूध की उम्मीद है। हाँ बस 12 किलो दे 14 के बीच की है भाई। इसकी क्या कीमत है? 1,07,000 रुपये भाई। 1,07,000 रुपये इसकी कीमत है।
तो संदीप भाई देखिए तकरीबन सभी पशुओं की भाई ने कीमत बता दी है, और इसमें भाई जो गुंजाश भाई ने बताई है तकरीबन में 1000-1200 की, हाँ बिल्कुल है भाई साहब, जितना जिसके नीचे हो बता दिया है। अगर उसकी पूरी संतुष्टि करनी है तो फिर आना पड़ेगा डेयरी फार्म पे, क्योंकि दो तीन टाइम की धार देखनी पड़ेगी। दो देखो भाई, तीन देखो, चार देखो, अगला रुपये लाओ भाई नो के कोसा, अरे भाई ऊंचे मोल के डांगर है। सही बात है, बिल्कुल भाई। आप कई बार ऐसा हो जाए भाई, देखा है कि बीच में अच्छी लेनी है भी कई भाई आगे वाई है जैसे, तो उसमें हो गया, तो इस बात तेन होता भाई इसके थोड़े अच्छे डांगर ले आए। हाँ कई भाई नु कहे भाई देखिए घना रेट है, लूट मचा दी। देखो ये भी कोई जरूरी नहीं होता कि अगर वीडियो में हम पशु दिखावा तो वो 1,00,000 रुपये का या 1,25,000 का हो, उससे ज्यादा का ना हो। अगर अच्छा पशु है तो भाई उसकी ज्यादा कीमत भी बताई जाएगी, जो जिस हिसाब का पशु होगा जितना दूध होगा उससे हिसाब से कीमत बताई जाएगी। देखो यह चीज तो एक धारणा मान लो, मैं बना लियो अपने मन में अगर भाई 9,00,000 रुपये तो ऊपर का डांगर कोने हको, 1,00,000 में तो 15 लीटर की आ जाएगी। पशु की अलग अलग क्वालिटी होती है, उस पर रेट निर्भर करता है। जिस तरीके भाई संदीप भाई जो आपने मांगे है रेट अपने पशुओं के, हाँ जी, तो वह चीज बताओ भाई किस आधार पर मांगे है भाई, या 2,00,000 भाई साहब देखो मेरी बात सुनो, 2,35,000 नो मांगे है जी। अगर देखो एक तो पहली बात यह चीज देखो आप जी, कोई अटके चीज है नॉर्मल पशुओं तो अलग है, इसकी अंडर क्वालिटी है, लेंथ है, हाइट है, सिंग है, मतलब सारी चीज इसकी बढ़िया है। दूसरी बात भाई साहब 20+ की आपने भैंस देखी हो कितनी मिलेंगी, अरे 125 की, 30 की, 35 की आम भैंस होगी बिल्कुल ठीक है। अर्थेलिया का भी 65 का जालिया, अरे 65 का जालिया। आज भाई साहब 20 लीटर जो भैंस दूध काट है ना, उसकी कीमत जाए एक बात मान लो आप अलग हो वह नारा श्याम तो अलग होनी चाहिए। अरे भाई ऊंच किसी ने सस्ती ठहन दी हो तो बल्ले की बेरा पटा ले भाई। तो फोन नंबर क्या है अपना संदीप भाई? फोन नंबर है भाई 80-53-53-37-37 80-53-53-37-37 और एक नंबर हो रहा है भाई 98-176-15-200 ये भाई का फोन नंबर है भाई। और मैं भाई का डेयरी फार्म है, जो भी भाई पशु खरीदना चाहता हो सीधा भाई से फोन के माध्यम से संपर्क कर सकता है। और भाई ऐसे ही अपना जितनी वीडियो कवर करेंगे पूरी कोशिश रहेगी भाई 100% के रेट वीडियो में ही पूछा जाए। तो राम राम सरे भैया ने भाई वीडियो ने शेयर कर दियो और लाइक कर दियो और कमेंट में अपनी राय जरूर दे दियो। संदीप भाई एक बात भी कर दियो, राम राम। राम राम भाई सारे भैया ने।